वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल यू गाइस डूइंग वेल। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं बहुत तैयार हो चुकी हूँ। आई एम गेटिंग लेट, मेरी कैब आके नीचे रुकी है। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू माई फैमिली। माई मॉम इज हियर। बाय मॉम, मिस ना करी बड़ी। एंड लेट्स सी माई डैड व्हाट इज डूइंग राइट नाउ। पापा बाय। जाऊं दी पापा। बाय। थैंक यू। ठीक है, टेंशन नलबा, फोन कर It really feels bad जब आप फैमिली को बहुत दिनों के लिए छोड़ के जाते हो। After long wait, Afrin has come. Finally, Afrin is here. आपको कैसा लग रहा है मेरा? बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे साथ पहली बार लंबा सफर कर रही हूँ। Yes, और असम के बाहर। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। And आफ्रीन का चैनल का नाम है प्ले एंड फूड। आप लोग डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी हमारा होगा सिक्योरिटी चेक इन। और सिक्योरिटी चेक इन के टाइम जिन लोगों के पास बहुत सारे गैजेट्स होता है ना, बहुत दिक्कत होती है। मेरा तो बहुत सारे गैजेट्स है, वो सब निकालो, फिर ट्रे में रखो, फिर जाओ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और चलिए फिर, करना तो पड़ेगा, ये रूल इज़ रूल। और ये है गुवाहाटी का लॉन्च। यहाँ पे अगर आपको फ्री में खाना खानी है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होनी चाहिए। और ये सब के सब क्रेडिट कार्ड्स आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, फ्री में खाना अनलिमिटेड ले सकते हो। क्या सिक्योरिटी चेकिंग सब कुछ हो गया है। और अभी टाइम है फ्लाइट में जाने के लिए। 6 बजे को हमारी फ्लाइट है। सो गाइज, ये है फ्लाइट के अंदर का नज़ारा, बहुत ही अमेजिंग है। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्लाइट बिकॉज विस्तारा में बहुत कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं आपको। और विस्तारा फ्लाइट ना वर्ल्ड में टॉप 20 में लिस्ट करता है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए। आपको बस गूगल क्रोम में जानी है, वहाँ पर टाइप करनी है www.vistaraworld.com। उसके बाद एक पेज खुल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं मूवीज़, पढ़ सकता है बुक्स, और यहाँ पे अपने फ्लाइट का लोकेशन भी जान सकते हो। साथ ही साथ फ्री कॉम्प्लीमेंट्री खाना गाइस, सबसे बढ़िया बात। और यहाँ पे मैं अपना फेवरेट मूवी देखते देखते मेरा डिनर भी एंजॉय कर रही हूँ। गाइस फाइनली लैंडेड हम। विस्तारा का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अभी रात के बज रहे हैं 9:20। सो हियर इज अ प्लेन। मैं पकड़ रही थी फ़ोन, थोड़ा थोड़ा ख़राब भी लग रहा था क्योंकि हम लोग का सीट तो अलग अलग हो गया ना, तो इसलिए ख़राब लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, सफ़र तो बहुत अच्छा था और इस तरह का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। तो अभी हम दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे। यस, सो गाइस फाइनली लैंडेड दिल्ली एयरपोर्ट। यह दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। लाइक बहुत दूर अभी वॉक करना है और हमारा लगेज आ रहा है बेल्ट नंबर 8 पे। और तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था। मैं तो बहुत दिनों के बाद में फ्लाइट में बैठी हूँ और इस तरह में पहली बार अच्छा लग रहा था। खाना वगैरह भी अच्छा था। हाँ, हमारा डिनर तो आज फ्लाइट में ही हो गया। Parking this way. अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की ओर, इस साइड पे ग्राउंड फ्लोर। वहाँ से अगर आप चाहें ना मेट्रो पे भी जा सकते हो डायरेक्टली। मेट्रो का उस साइड पे जो भी होगा लाइक मेट्रो के लिए भी इजी है। लेकिन अभी रात के 10 बज चुके हैं। सो रात को 10 बजे यहाँ से जाना लाइक बहुत ही रात हो जाएंगे, इसीलिए हम डिसाइड किया ऊबर में चले जाते हैं। और ऊबर के लिए हमको ग्राउंड फ्लोर तक जाना होगा। और आप देख रहे हो दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, लेकिन सबसे खासियत यह है कि सब कुछ सिस्टमेटिक वे में है। यहाँ पे ओला के लिए अलग पार्किंग, उबर के लिए अलग,
और मेट्रो के लिए भी अलग। यहाँ पे आप देख रहे हो उबर लेफ्ट हैंड साइड, ओला राइट हैंड साइड, और हमने बुक कर लिया उबर। और ये है हमारा उबर जहाँ पे हम बैठ गए हैं। फाइनली बैठ गए उबर, फाइनली बोलू सॉरी फाइनली बैठ गए। मैं आसम इसमें बोल रही हूँ, यहाँ पे जितना गर्मी है माय गॉड, मैं हालत खराब हो गया मान रही हूँ। अभी हम जाएंगे गाजियाबाद। देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो कैब है यहाँ पे रुक गई है, बिकॉज यहाँ पे सीएनजी गैस भरने के लिए। और दिल्ली का स्पेशलिटी ये है कि मैक्सिमम मतलब सारे के सारे कमर्शियल गाड़ियाँ सीएनजी पे ही चलता है। और सीएनजी पे चलने का कारण क्या है? वो पोल्यूशन नहीं होता है, वो तुमसे सीखा मैंने। फाइनली हम पहुँच गए, वैशाली जी के घर एक्सट्रीम रोड्स, लेकिन वैशाली जी घर पे है नहीं, अभी गई और ट्रिप पे है। और मैं किस वजह से दिल्ली आई हूँ मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कल के वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो, एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब। बाय गाइज़।